इसराइल हमास के बीच शुरू हुए संघर्ष का आज 11वां दिन है। बीते वक्त के साथ युद्ध लगातार विकराल रूप लेता जा रहा है। बीते दिनों हजारों इसराइल रॉकेट हमास के प्रमुख ठिकानों पर हमला करते रहे और आतंकवादियों को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बता दें कि इस जंग में 3000 से अधिक लोगों की जान चली गई है, जबकि हजारों की तादाद में लोग घायल भी हुए हैं। लेकिन हमास द्वारा किए गए इस भयावह हमले को दशकों तक इजरायली खुफिया विभाग की सबसे बड़ी विफलताओं में से एक माना जाता रहेगा। ऐसे में अब इजरायल की घरेलू खुफिया एजेंसी शीन बेट के प्रमुख ने हमास के इस हमले को रोकने में विफल रहने की जिम्मेदारी ली है। हमारे द्वारा की गई कई कार्रवाइयों के बावजूद दुर्भाग्य से शनिवार को हम पर्याप्त चेतावनी उत्पन्न करने में असमर्थ रहे, जिससे हमले को विफल किया जा सके। संगठन का प्रमुख होने के नाते इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। हम इसकी जांच करेंगे, फिलहाल हम लड़ते रहेंगे। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी और सैन्य बुनियादी ढांचे पर बड़े पैमाने पर हमले किए। IDF के हमलों ने हमास के ऑपरेशन कमांड सेंटर, सैन्य परिसर, दर्जनों लॉन्चर और उनके ठिकानों को नष्ट कर दिया। इसी बीच इजरायली PM नेतन्याहू ने कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई और हमास को ध्वस्त करने का संकल्प लिया।